नमस्कार, आज मैं बनाऊंगी सोया की सब्जी। काफी ताजी मिल रही है, इसको लेके मैं साफ कर ली हूँ। इसके मोटे डंठल निकाल ली हूँ और इसको तीन चार पानी धो ली हूँ। इसको छोटे टुकड़े में काट लेंगे। सब्जी काफी स्वादिष्ट बनती है। मैं आलू ले ली हूँ, उबाल ली हूँ, आलू नया आलू है। टमाटर ले ली हूँ, लहसुन है, थोड़ा सा अदरक है। इसको कूट लेते हैं और इसके छोटे टुकड़े काट लेते हैं। आलू के भी टुकड़े काट लेते हैं। आलू को मैं चार टुकड़े में काट ली हूँ, टमाटर भी काट ली हूँ और सोया को छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, सरसों का तेल। कोई भी तेल आप डालिए जो भी खाते हैं। तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। इसमें आलू डाल देते हैं। आलू को थोड़ा फ्राई करेंगे। आलू हल्का फ्राई हो गया है, थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देंगे। आलू में कितना स्वाद के हिसाब से उसके नमक डालेंगे, थोड़ी सी हम कलर वाली मिर्च है, थोड़ा इसको डाल देते हैं और थोड़ी देर इसको और फ्राई कर लेते हैं। आलू अच्छा फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाही गर्म है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा हींग डाल देंगे। टमाटर डाल देते हैं, कुटा हुआ अदरक और लहसुन भी डाल देते हैं। फिर इसके अंदर हरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, फ्राई करते हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं साग। पकाते हैं, साग हमारा थोड़ा गल गया है। अब इसमें साग के हिसाब से नमक डालेंगे, आलू भी नमक है, ज्यादा नमक नहीं डालेंगे। हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसमें हम फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे। इसको मिक्स करते हैं। थोड़ी देर इसको ढक के रखते हैं। देखिए हमारी सब्जी बन गई है, काफी अच्छी सब्जी बनी है। कोई मसाला नहीं है, इसका कलर फ्लेवर रहेगा, काफी पौष्टिक भी है। निकाल लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है और काफी स्वादिष्ट सब्जी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा बनता है एक बार आप बना के देखिए, और अच्छी लगे रेसिपी तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।